पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम थे और एंगिन अल्तान को पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैले और सलमान खान को मिला। देखिए अल्लाह की नजर में कोई अल्लाह के बारगाह में मेरी ऐसी कोई बात थी जो अल्लाह ने मुझे ये कुछ ना चीज को नवाजी थी। तो आप लोगों को मैं यही चीज कहूंगा कि आप सिर्फ अपनी नियत साफ रखें, मुझसे ज्यादा कामयाबी अल्लाह ताला आपको दे। तो आज जैसा कि आपको पता है हमारे साथ हमारे मुल्क के हमारे शहर के लाहौर के बहुत ही ज़्यादा फेमस टिकटॉक स्टार और बहुत बड़े बिजनेसमैन काशिफ जमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें पता चला था कि काशिफ जमीर साहब बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया फौरी तौर पर, आइए इनसे कुछ पूछते हैं। तो काशिफ जमीर साहब सबसे पहले तो आप ये उन्होंने बताएं आपके लिए जारी रहते हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, मजा ठीक है, आप ठीक मैं तो आपको देखते ही रहता हूं। आप मुझे देखते हैं कि भैया आपको तो बहुत देखता हूं, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा टैलेंट है। मैं दुआ करता हूं। अच्छा काशिफ भाई, माशाल्लाह आप काफी जगह पे काम कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के और जुनूने मुल्क के जो एक्टर्स वगैरह हैं, जो सुपरस्टार हैं, आप उनको बुलाते रहते हैं पाकिस्तान में रिसर्च के लिए। तो ऐसे ही हमने एक बात सुनी है, जैसे कि आपने पहले एंकिन अल्तान को बुलाया और ऐसे ही हमने एक और नई बात हमारे सुनी है कि आप सलमान खान को बुला रहे हैं, तो क्या ये बात इसमें कितने परसेंट तक चाहिए? जी ये देखिए हमारे ना कुछ हमारे माशाल्लाह तो पाकिस्तान का मीडिया के लोग तो कोई जब ऐसे बात निकलती है तो वो हर चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं, तो ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले एंगिन अल्तान पाकिस्तान आया तो ये सलमान भाई भी इंशाल्लाह पाएंगे पाकिस्तान, वैसे तो सलमान भाई नहीं और भी कंट्री के एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान जिनको मैं लेके आऊँगा, लेकिन सिर्फ मसला ये कुछ अपने लोग खिलाफ जरूर हो जाते हैं, लेकिन हमारी नीयत साफ है तो हम इंशाल्लाह लगे रहेंगे। और जहाँ तक सच्चाई की बात है और आने की बात है, वो ये है कि अभी बस परमिशन वगैरह उनकी बस रहेगी सलमान भाई की, आपको पता है कि वो सिद्धू के कत्ल होने के बाद और ऊपर से थ्रेट भी है सलमान भाई को, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनको पाकिस्तान लेंगे। तो हाँ जी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी भी है, उनका सिक्योरिटी रिस्क इसके हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि सलमान भाई आ रहे हैं सिर्फ 4 घंटे के लिए, तो हम इस तरह से उनका प्लान करेंगे कि वो देखिए अल्लाह की ज्यादा हिफाजत करेंगे, लेकिन हम अपने जो A to Z हम उनको पूरा प्रोटोकॉल देंगे। ठीक है अच्छा आप तो हमें ये तो कहें आप सलमान भाई को भी बुलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और फ्यूचर में आपके क्या प्लान है, कुछ जो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियन में आप उनको जो है वो अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं? जी देखें मेरे अब मैं बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज हूँ, मेरे सबसे ताल्लुक सबसे मेरे सब अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि मैं किसी एक इंडिविजुअल किसी पार्टी को ये बोलूँ। देखें मेरी तरफ देखो सब पाकिस्तानी है, चाहे वो PTI है, पीपल्स पार्टी है, ना नून लीग है, देखें वो सब पाकिस्तानी है। हाँ देखें कुछ पॉलिसीज पे वो उनके आपस में एक दूसरे से माइंड नहीं मिलता, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे लिए वो सब है, क्योंकि मेरा आप देखें मियां नवाज शरीफ से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरा बिलावल से, यूसुफ अल्लाह गिलानी से, चौधरी सरवर से, इमरान खान से, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिशियन हैं सबसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक है, लेकिन इस तरह मैं किसी का नहीं कह सकता कि मैं किसी एक को ही साथ देकर चलूं। अच्छा आपने माशाल्लाह अपने घरों में अपने घर में शेर वगैरह भी पाले हुए हैं और काफ़ी आपके उनके हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो अभी खिलाफ दौरान जो इंतहाई मुश्किल में हमारे खिलाफ की वजह से आप अपने ये हमारी चैनल की मुलाकात से क्या ऐलान करना चाहते हैं कि आप उनकी कैसे मदद करते हो? जी बिल्कुल मैं आपको ये बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले अभी ये इंशाल्लाह आपको ये मजीद नजर भी आएगा कि मैंने 50 लाख अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेक किया मैंने ऑलरेडी पहले, तो इसमें अभी मैं मजीद ये सोचूँ क्योंकि जो भी सूरत हाल है जो कंडीशन जा रही है मुझे लगता है कि इसमें जितना मैक्सिमम लोग कर सके करना चाहिए, इंशाल्लाह मैं भी अभी मजीद करूँगा, लेकिन मेरा ये इंशाल्लाह प्लान है कि मैं मजीद 1 करोड़ रुपया जो है वो इसमें देखें अल्लाह की ज़ात के वाले हम तो एक जरिया का बन जाए एक नीयत है, तो इंशाल्लाह उसमें मैं 50 लाख जैसे पहले दिया लेकिन अब उसमें हम मजीद 1 करोड़ का मैं उसमें। अच्छा अपने जो आपके जो फैंस हैं स्पेशली जो लड़कियां आपको देख रही हैं, क्योंकि लड़कियां हमें देखा है आप अभी आपको लड़कियों ने पकड़ा हुआ था आपकी जान नहीं थी, तो आप ये बताएं आप उनका क्या रिस्पॉन्स होता है जब आपको रिक्शा पे उनसे मैसेज आते हैं, तो कोई लड़की अपना दिल की कालजी दे रही है, तो ये कोई बाबू दे रही है, तो ये अपना हाथ दे रही है, आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? जी देखिए सबसे पहली बात है कि मेरे लिए मैं सब बहुत काबिल इत्तराम हूँ, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखिए हाँ किसी को अच्छा लगना है किसी से कोई ऐसी बात ना, वो देखिए सिंपली एक अट्रैक्शन होती है, तो मैंने कभी भी किसी को गलत नज़र से ना देखा ना मैंने कभी देख सकूँ, मेरे लिए बहुत साफ है सारी जो है काबिल इत्तराम है, तो अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मैं उनको अच्छे से समझाता हूँ कि बीबी ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा अपने जो आपके जो फैंस हैं स्पेशली जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं, क्योंकि लड़कियाँ हमें देखा है आप अभी आपको लड़कियों ने पकड़ा हुआ था आपकी जान नहीं हो रही, तो आप ये बताएं आप उनका क्या रिस्पॉन्स होता है जब आपको रिक्शा पे उनसे मैसेज आते हैं, तो कोई लड़की अपना दिल की कालजी दे रही है, तो ये कोई बाबू दे रही है, तो ये अपना हाथ दे रही है, आपका क्या रिस्पॉन्स होता है?
ये देखिए सबसे पहली बात है कि मेरे लिए बस बहुत काफी इत्तराम है, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखिए हाँ, किसी को अच्छा लगना है, किसी से कोई ऐसी बात ना, देखिए सिंपली एक अट्रैक्शन होती है। तो मैंने कभी भी किसी को गलत नजर से ना देखा, ना मैंने कभी देख सकती, मेरे लिए बहुत साफ है सारी जो है काफी इत्तराम है। तो अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मैं उनको अच्छे से समझा देता हूँ कि बीबी ऐसी बात कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं शादी तो ये देखिए अगले को समझा देना चाहिए तो ताकि वो गलत बैठ सकते। तो काशी भाई कहते कहते अगर आप फोरी तौर पर हमारे जो व्यूअर्स हैं और आपके जो फैंस हैं उनको एक मैसेज आप देना चाहिए तो फोरी तौर पर जी, बस उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाबी दे। देखें कामयाबी किसी की विरासत नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात आपको देती है। अगर आप किसी को कामयाबी से देखते हैं तो उससे जेलस मत हो, उसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला देखें उसके सबके आपको भी कामयाबी देगा। देखें मैं हमेशा दूसरों की कामयाबी से खुश हूँ, इसलिए देखें पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम थे और एंगिन अल्तान को पाकिस्तान अलहमदिल्ला मैं ले और सलमान खान को भी ला। देखें अल्लाह की नज़र में कोई अल्लाह के बारगाह में मेरी ऐसी कोई बात थी जो अल्लाह ने मुझे ये कुछ ना चीज़ को नवाजी थी। तो आप लोगों को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपनी नीयत साफ रखें, मुझसे ज्यादा कामयाबी अल्लाह ताला आपको देगा जी। तो मैं आपको यहाँ पे ये भी कहता चलूँ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काशिफ भाई सलमान खान को पाकिस्तान बुलाना चाह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सलमान खान को मिले, आप भी सलमान खान को मिलना चाहते हैं, इसी तरह किसी और भी आप फेमस अपने जो आपके सुपरस्टार हैं जिनको आप मिलना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाजमी क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और काशिफ भाई के लिए बहुत सारी आप मेहनत मंगाएंगे, बहुत सारी दुआएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।